स्टूडेंट्स, बेटा हमारा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस कर चुके हैं। आपका चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हम मिनरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कल की वीडियो में। आज हम पावर रिसोर्सेज के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, पावर रिसोर्सेज क्या होता है? इसे हिंदी में बोला जाता है ऊर्जा संसाधन। जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपके पावर रिसोर्सेज कहलाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, किसी भी देश का विकास उसके पावर रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। पावर इज रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर एज वेल इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो पावर है उसकी जरूरत हमें ना केवल कृषि में बल्कि इंडस्ट्रियल उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है। मेन सोर्सेज ऑफ पावर, अब पावर गेन करने के कौन कौन से सोर्स हैं? कोयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड अदर सोर्सेज, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे इसके पावर गेन करने के सोर्सेज हैं। जो पावर रिसोर्सेज है उसे टू टाइप्स बताए हैं, कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल। अब देखिए, कन्वेक्शनल पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कन्वेक्शनल है इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहा जाता है। एंड दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इन्हें बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। एंड इट दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, इन्हें ट्रेडिशनल रिसोर्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड विद इन अर्थ फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कैसे बनते हैं? अर्थ के अंदर जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उसके द्वारा फॉसिल फ्यूल का निर्माण होता है और इसके अंदर हजारों वर्ष लग जाते हैं। कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। अब इसके अंदर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका आता है बेटा फायरवुड। देखो फायरवुड क्या होता है? इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी गेन करने का बहुत ही कॉमन फॉर्म है, कॉमन तरीका है इसका। इट इज़ यूज इन विलेजेस, इसे गाँव के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड अर्बन एरियाज ऑल्सो, अर्बन एरियाज के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हमें लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ों से प्राप्त होती है। और इसके लिए क्या है? हमें पेड़ों की कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड बर्निंग डैम मीन्स पोल्यूशन ऑफ एयर। पेड़ों की कटिंग करना और साथ में लकड़ी को जलाना, यानी कि पोल्यूशन ऑफ एयर। तो इसके ये ड्रॉबैक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रिसोर्स है बेटा आपका कोल। अब देखिए कोल कैसे प्राप्त होता है? इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। कोल को हम घरेलू कार्य के लिए यूज़ करते हैं। एंड एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज, और इसे इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। थर्मल पावर इज इलेक्ट्रिसिटी मेड फ्रॉम कोल। और जो थर्मल पावर है वह एक इलेक्ट्रिसिटी है, और ये किससे तैयार होती है? कोल के द्वारा ही, कोयले के द्वारा ही इसे तैयार किया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो करोड़ों वर्षों से जमीन के अंदर दबे हुए हैं। एंड इट इज दे द कोल दैट वी यूज टूडे इज फॉर्म फ्रॉम, और जो कोयला आज हम यूज़ कर रहे हैं वो करोड़ों वर्षों से जो प्लांट्स और एनिमल्स जमीन में दबे हुए थे उसके द्वारा ही वो कोयला हमें प्राप्त हो रहा है। चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, अफ्रीका, फ्रांस, ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर कोयला पाया जाता है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोल, कोल के चार टाइप्स होते हैं। और भारत के अंदर कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सारी माइंस हैं, खाने हैं, कहाँ की हैं? झारखंड की हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देखिए, इट कीप द व्हीकल मूविंग। पेट्रोल के द्वारा क्या है? व्हीकल्स को मूव किया जाता है, चलाया जाता है। एंड पेट्रोलियम इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, और जो पेट्रोलियम है वो जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उसकी लेयर्स के बीच में पाया गया है। और जो पेट्रोल है इसे रिफाइन किया जाता है, इसे शुद्ध किया जाता है, परिशुद्ध किया जाता है। इसके द्वारा क्या है? अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स एट्सेट्रा। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर, ये यहाँ इन सारे देशों के अंदर पेट्रोल भरपूर मात्रा में पाया गया। और हमारे भारत के अंदर असम में डिगबोई नामक स्थान पर, और मुंबई में बॉम्बे हाई, और डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, और कृष्णा और गोदावरी रिवर के द्वारा जो डेल्टा बनाए गए हैं उसके उस वहाँ पर भी पेट्रोल पाया जाता है। पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इज दैट क्लियर? आगे है बेटा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देखिए क्या होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस एज वाटर पासिस थ्रू अ डैम। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो उसे क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है? इसके जब डैम के ऊपर पानी गिरा जाता है तो उसके द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमें प्राप्त होती है। इट इज़ क्लीन नॉन पोल्यूटिंग सोर्स, यह बहुत ही साफ होती है और इसके द्वारा पोल्यूशन नहीं होता है। विच गिव्स इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिजली देती है। इट इज़ मच चीप
पर यह बहुत ही सस्ती होती है इन इंडिया। भारत के अंदर देखिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहाँ कहाँ, इसके प्लांट्स कहाँ कहाँ पर हैं, भाखड़ा नांगल दामोदर वैली कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट्स, हीराकुंड रिहांद, जोग फॉल्स और नागा अर्जुन सागर, इन सभी के ऊपर क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाए गए हैं। ओके आगे है बेटा नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस देखिए, इट अकर्स विद पेट्रोलियम, यह पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होती है। एंड ये कहाँ कहाँ पर मिलती है, इट इज़ फाउंड इन रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर आपकी नेचुरल गैस पाई गई है। और भारत के अंदर ऑफशोर ऑफ ऑयल फील्ड्स ऑफ मुंबई, जैसलमेर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, इन सभी स्टेट्स के अंदर पाई गई है। इट इज़ यूज इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसे घरेलू कार्य के अंदर भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस, और इसे पाइपों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये आपके सारे थे बेटा कन्वेक्शनल पावर रिसोर्सेज। अब आगे आता है हमारा नॉन कन्वेक्शनल पावर रिसोर्सेज। नॉन कन्वेक्शनल पावर रिसोर्सेज को देखिए इसमें क्या क्या है, इसे रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहा जाता है। दे आर इन रिन्यूएबल इन नेचर, दीज रिसोर्सेज ऑल्सो डोंट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और जो ये रिसोर्सेज होते हैं इनसे एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। अब इसके टाइप्स देखिए, फर्स्ट है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, जो एटम्स होते हैं उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उससे न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त होती है। और ये यूएसए के अलावा मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। एंड मोनेजाइट सैंड्स एंड थोरियम इन द बीचेस ऑफ केरला एंड इन इंडिया, भारत के अंदर ये केरला के जो बीचेस हैं वहाँ पर भी ये पाई गई है। एंड देयर आर मैनी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस लोकेटेड एट कर्नाटका, राणा प्रताप सागर इन कोटा, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड तारापुर इन महाराष्ट्र, और ये इन जगह पर भी पाई गई है। अब इसके देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है इसके, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल, इसे जो फ्यूल जो ईंधन लगता है बहुत ही कम मात्रा में लगता है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसकी, इट जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, इससे रेडियो एक्टिव बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। अब देखो बेटा ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी का डायग्राम है। इसके पूरे डायग्राम के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त की जाती है। आगे आपका आता है सोलर एनर्जी। देखिए सोलर एनर्जी, इट इज ऑल्सो नॉन पोल्यूटिंग एंड इन एग्जॉस्टेड होता है, जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, जो ख़त्म नहीं होती। जब तक सूरज रहेगा तब तक सोलर एनर्जी हमें मिलती रहेगी। एंड इट इज़ यूज इन कुकिंग, हीटिंग, क्रॉप ड्राइंग एट्सेट्रा, इसका इन सभी कार्यों के अंदर यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, सोलर हीटर ऑल रन यूजिंग सोलर एनर्जी, इन सभी के द्वारा हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ये लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसके इस पर मेंटेनेंस पे कोई कॉस्ट नहीं होती है और इको फ्रेंडली है, ये नेचर को कोई इससे हार्मफुल नेचर के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि जो सोलर पैनल होता है बहुत कॉस्टली आता है, और इसके अलावा जो सोलर पैनल्स है उसे लोट ऑफ स्पेस, उसे लगाने के लिए स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसको लाने ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत महंगा होता है, और इसके अलावा इससे ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती हैं। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल देखिए, जियोथर्मल इट इज़ रिलीज फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, ये जो अर्थ के अंदर जो ये जो हीट जियोथर्मल एनर्जी है ये हॉट गर्म झरनों के रूप में बाहर आती है। हॉट स्प्रिंग्स होते हैं गर्म झरने। इट इज़ क्लीन एंड इको फ्रेंडली है, भी बिल्कुल साफ होती है और इको फ्रेंडली है। ये कहाँ कहाँ पर है बेटा, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। भारत के अंदर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुग्गा वैली इन लद्दाख, इन दो जगह पर जियोथर्मल एनर्जी हमें प्राप्त होती है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जियोथर्मल एनर्जी का ही डायग्राम है। आगे देखिए इसके एडवांटेजेस, इको फ्रेंडली एंड ईजिली अवेलेबल, बट इसके रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस, भाई इससे भी ग्रीन हाउस निकलती हैं और हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, और इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होती है, बहुत महंगी होती है। नेक्स्ट है बेटा आपका विंड एनर्जी। देखिए विंड एनर्जी में क्या है,
विंड एनर्जी, देखो इसके नाम से पता लग रहा है, जो हमें हवा के द्वारा जो हमें प्राप्त होती है। इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसे कृषि के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ सेफ, क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, इसको क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्स करते हैं, विंड स्पीड, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी। यूरोप अकेला एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 70% विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड इंडिया के अंदर गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन चार स्टेट्स के अंदर विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। अब इसके एडवांटेजेस देखिए, ये रिन्यूएबल है, ये भी लो मेंटेनेंस है और इको फ्रेंडली है, लेकिन कुछ इट इज़ एक्सपेंसिव। विंड टर्बाइंस पोज अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड जंगली जानवर है उसके लिए क्या है, जो विंड टर्बाइंस होते हैं, जो बड़े बड़े पंखे होते हैं, पवन चक्की जिसे बोला जाता है, वो वाइल्ड लाइफ के लिए क्या है, बहुत खतरनाक होते हैं। और इसके अलावा ये जब चलते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन, बहुत पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका टाइडल एनर्जी। देखिए टाइडल एनर्जी क्या है, द एनर्जी विच इज जनरेटेड बाय कैप्चरिंग द एनर्जी कंटेंट इन टाइड्स, टाइड होती है ज्वार, जब समुद्र के अंदर जब ज्वारें आती हैं तो उसके द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे टाइडल एनर्जी कहा गया है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर कैनेडा और फ्रांस दो जगह पाए गए हैं। इसके अलावा भारत में गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की जो खाड़ी है वहाँ पर, जो गुजरात में है वहाँ पर इसे पाया गया है। इसके देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज, इट इज इनएग्जॉस्टेबल होती, मतलब जल्दी ख़त्म नहीं होती है, एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है, एफिशिएंसी ऑफ टाइडल पावर इज फास्टर देन कोल सोलर और विंड एनर्जी। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, ये कॉस्ट ऑफ, मतलब इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है बहुत हाई होती है, लोकलाइज, और इसके लिए जो क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में ही प्राप्त होती है तो इसके लिए क्या है, जो प्लांट्स लगाए जाते हैं बहुत कोस्टल एरियाज़ में ही लगाए जाते हैं और इस वो बहुत ही कम इसके लिए स्थान प्राप्त हो पाता है। इसके अलावा जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, जो आपके वाटर एनिमल्स हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल होती है। ओके आगे देखो बेटा, ये इसका डायग्राम है, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये टाइडल एनर्जी का डायग्राम है, इसके द्वारा टाइडल एनर्जी उत्पन्न की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है आपका बायोगैस। बायोगैस देखो उसको नाम से ही पता है, जिसे गोबर गैस कहा जाता है, जो पशुओं के वेस्ट से, अर्बन वेस्ट, फास्ट ग्रोइंग श्रब्स, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट, इन सभी से जो हम गैस तैयार करते हैं, एनर्जी तैयार करते हैं, उसे बायोगैस कहा जाता है। एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ चीप पावर फॉर स्मॉल स्केल यूसेज। इसके एडवांटेजेस देखिए, ये वही है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, इजी टू ऑपरेट और मेक्स यूज ऑफ बायोवेस्ट। लेकिन इसके एक डिसएडवांटेज है, इससे क्या है, रिजल्ट्स इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इसका जो रिजल्ट होता है वो ग्रीन हाउस के ऊपर इफेक्ट डालता है। अब आपका आगे है टॉपिक बेटा, ये आपकी सारी रिसोर्सेज हो गए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जो एनर्जी रिसोर्सेज हम उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि जब जो रिसोर्सेज होते हैं टेक अ लॉन्ग टाइम इन देयर फॉर्मेशन, इन्हें बनने में, इन्हें तैयार होने में बहुत लंबा समय लगता है, तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या क्या है, इसे हम कैसे सेव कर सकते हैं। अचीविंग मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम पावर ऑफ एग्जिस्टिंग एनर्जी प्लांट्स, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिलायबल पावर सप्लाईज, हमें पावर सप्लाईज में की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इसके अलावा इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज है उसे हमें इंक्रीज करना चाहिए। अवॉइडिंग पावर लॉसेस ड्यूरिंग जनरेशन, और जब पावर लॉस होती है उस जनरेट करते समय जो पावर लॉस होती है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस, और हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस जगानी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। लास्ट है आपका बेटा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग, रिसाइकल, ये देखिए 3 R's, इन्हें 3 R's बोला गया है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिसाइकलिंग ऑफ मेटेलिक मिनरल इज वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज एज रिसाइकल मिनरल्स कैन बी यूज अगेन, इन्हें कंजर्व करना ताकि हम इन्हें फिर से यूज़ कर सकें। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ मिनरल्स इन अनदर वे ऑफ कंजर्विंग दैम, रिड्यूसिंग के द्वारा भी क्या है, मिनरल्स को हम दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं, इन्हें कंजर्व कर सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड टू यूज़ इवन द पुअर क्वालिटी ओर्स, और हम नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा जो पुअर क्वालिटी के ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, उसे भी क्या है, यूजफुल बना सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो इस प्रकार से हम जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, पावर रिसोर्सेज, हम उन्हें सेव कर सकते हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका आज चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस करोगे।